कोई काम 10 साल नहीं किए, केवल राम 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 कहलाते रह गए और काम कुछ नहीं हुआ। मोदी जी का भी काम तमाम है, यहाँ काम की जरूरत है। राम सबके प्रिय हैं, 5 किलो राशन भिखमंगा बना रहे हैं, हमको रोजगार दें, हमको काम दें, हमको रोजगार दें, हमको नौकरी दें। सारा उद्योग विहीन हो गया जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से मोदी जी आए हैं सब वैकेंसियाँ बंद हो चुकी है। बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित शोषित के बच्चे हायर क्वालिफाइड रोडों पर घूमते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये इसीलिए निजीकरण कर रहे हैं कि वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कितनी भीड़ है और अनिल जी के समर्थन में ये लोग जो है लगातार प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं। इस बार देखे कि रेलवे का वैकेंसी भी नहीं आया तो हम तो खुले एकदम मन से लगे हुए हैं। अनिल भैया को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, ये बीजेपी से लड़ने के लिए सक्षम है, समर्थ है और हम लोग इस बार निकाले पूरे देश में। हाँ, हाँ एकदम नाराज है। बिहार में बक्सर एक ऐसा सीट है जहां बीएसपी सबसे अधिक मजबूत दिख रही है। बीएसपी से अनिल पटेल जी यहां से संसदीय क्षेत्र में है, मैदान चुनावी मैदान में और काफी मजबूती से लड़ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लोग हैं, बातचीत करते हैं, कैसी तैयारी है, कितनी तैयारी है और किन मुद्दों को लेके ये लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम उमा शंकर चौधरी है। जय भीम नमो बुधाय। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज के वंशज हैं और सत्य के लिए खड़े हैं और असत्य के लिए लड़े हैं। जुमला के विरोध खड़े हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसके बाद कहीं भी विकास दिख नहीं रहा है। मोदी जी का 10 साल बिल्कुल फेल रहा, जनता परेशान है, बेहाल है और तरह तरह कर रही है। हमारे बक्सर से बहुजन से अनिल चौधरी जिनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, एक नंबर पर है। और अनिल जी को क्यों जनता वोट करेगी, क्या मुद्दा है आपके हाथ? अनिल चौधरी हमारे लोकसभा क्षेत्र में विगत 10 सालों से प्रयासरत रहे, वंचित शोषित कमेरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे और इनका जनाधार इतना विकसित हो चुका कि आज पूरी जनमानस इनके साथ खड़ी है। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर चल रहे हैं। ये इसका कारण यही है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्य किए हैं, गरीबों के बीच जाते हैं, कहीं आग लग गई उनके यहाँ जाते हैं, कहीं परेशानी हो गई, कहीं दलितों पर अत्याचार होता है उनके लिए जाते हैं। माने ये दबे कुचले लोगों के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए जनता तहे दिल से इनके लिए आज खड़ी है। स्थानीय भी हैं? स्थानीय भी हैं। बताइए अनिल पटेल जी प्रभारी हैं बीएसपी बिहार के और पूरे बिहार में घूमते रहते हैं लोगों के सुख दुख में। जी जी, पूरे बिहार के प्रभारी हैं। सवाल यह है ना सर, इंडिया एक तरफ है, एक तरफ एनडीए है, पूरे बिहार की बात की जाए तो बीएसपी की उपस्थिति बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन बक्सर को लेकर क्या समीकरण आपके साथ है, कैसे कहेंगे कि हम जीत ही जाएंगे? बहुजन समाज जो है पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है बक्सर में। बक्सर में सब एकजुट है, एकजुट है तमाम बहुजन समाज, दबे कुचले लोग, दलित लोग, शोषित लोग, कमेरा लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और जुमला और असत्य के विरोध में खड़े हैं। तो यहाँ से मोदी जी के अश्विनी चौबे जी 10 साल से सांसद थे, उनका कैसा रहा? उनका भी जुमले वाली बात रही, कोई विकास नहीं हुआ बक्सर में किसी तरह का। कोई कार्य अगर गिना दें तो जनता इसीलिए जो है उनके भी इसीलिए उनका टिकट कट गया, कोई काम नहीं किए। पार्टी ने उनका टिकट इसी आधार पर काट दिया, कोई काम 10 साल नहीं किए, केवल राम 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 कहलाते रह गए और काम कुछ नहीं हुआ। मोदी भी जी भी तो राम राम कह रहे हैं, बोल रहे हैं 500 साल से मंदिर में। तमाम है मोदी जी का, मोदी जी का भी काम तमाम है, यहाँ काम की जरूरत है। राम सबके प्रिय है, काम के लिए 5 केजी राशन गिना रहे हैं, 5 किलो राशन भिखमंगा बना रहे हैं, हमको रोजगार दें, हमको काम दें, हमको खेत दें, खलिहान दें, क्यों 5 किलो राशन देते हैं? हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हम नहीं रहेंगे भीख, हमको रोजगार दें, हमको नौकरी दें, हमको काम दें। कोई फैक्ट्री वगैरह लगा बक्सर में मोदी जी कार्यकाल में? उद्योग विहीन है, पहले यहाँ ललटेन फैक्ट्री था, कॉटन मिल था वहाँ डुमरा महाराज का, सारा उद्योग विहीन हो गया। जब से ये बीजेपी सरकार आई है 2 लाख नौकरी रेलवे में है, जब से मोदी जी आए हैं सब वैकेंसियां बंद हो चुकी है। बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित शोषित के बच्चे
हायर क्वालिफाइड रोडों पर घूमते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। आरक्षण तब मिलता उनको जबकि नौकरियां मिलती, ये इसीलिए निजीकरण कर रहे हैं कि वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आउटसोर्सिंग के तहत जो है प्राइवेट कंपनियां बहाल करते हैं, उसमें आरक्षण रोस्टर प्लान होता नहीं है। प्राइवेट प्राइवेट क्या, तो वो प्राइवेट वाले तो प्राइवेट मालिक हो गए उनको। आउटसोर्सिंग के तहत सरकार अपना काम प्राइवेट कंपनी को दे देती है जी। और उसमें जो कर्मचारियों का चयन होता है, जैसे ब्लॉक वगैरह में वेल्ट्रोन वाले जो काम करने आते हैं, आरक्षण रोस्टर का प्लान होता नहीं उसमें। आरक्षण पे अटैक कर दिए मोदी जी, आरक्षण पर। अब सरकारी नौकरियां में आरक्षण है, प्राइवेट और निजीकरण में तो आरक्षण है नहीं। इसीलिए सारा चीज जो बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, सब बेच रहे हैं। कहते हैं कि कुछ नहीं काम हुआ, काम तो इतना हुआ था, लेकिन ये बेचने के काम किए, केवल केवल बेचने का काम किए, केवल बेचने का काम किए ना सर। जैसे ही आप टीवी अखबार देखेंगे तो मोदी मोदी होता है, 400 पार दिखाता है टीवी वाला, उसके बाद दिखाता है राम मंदिर। देखिए बात ऐसा है कि आज तो आप भी मीडिया के हैं, मीडिया मैनेज हो चुकी है, लोकतंत्र के चार स्तंभ चारों मैनेज हो चुके हैं, सब मैनेज है, सब मैनेज हो चुका है। बताइए, राष्ट्रपति खड़ा है और प्रधानमंत्री बैठे हैं। ये जब मंदिर का उद्घाटन होता है तो उसमें दलितों को नहीं बुलाया जाता है। आप कहते हैं हम दलितों के लिए काम करते हैं, सरभारा वर्ग के लिए काम करते हैं। वो जो है एक दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, इसी शर्म की कितनी बात है। आप बैठे हैं और वो खड़ी है, सारा मीडिया वाले कवर किए। आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, पूरी तरह से मैनेज हो चुका है। क्या लगता है आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या लगता है कि मीडिया काम नहीं कर रही है? कहाँ काम करते हैं, यहाँ तो इंटरव्यू रहती है कि हम पूरे जनता को दिखाएंगे, लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सा केस देखा गया है। तो मोदी जी सवाल तो कर रही है मीडिया, इंटरव्यू तो कर रही है, इंटरव्यू करती है, लेकिन दिखाती कहाँ है? सिर्फ मोदी जी का ही दिखाती है, मोदी मोदी। सुबह में उठिए तो मोदी, दोपहर मोदी, शाम मोदी, रात मोदी, मतलब मोदी में ही है। विपक्ष का कहाँ इंटरव्यू आता है? मोदी भाई देश को चमकाए हैं। क्या चमकाए हैं आपको दिख रहा है? क्या चमका है? डंका बज रहा है। क्या कहाँ डंका बज रहा है? नहीं बज रहा है वो, सारा आप लोग दिखा रहे हैं ना बस। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के दिखाइए कितनी भीड़ है, और अनिल जी के समर्थन में ये लोग जो है लगातार प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और गांव गांव गली गली जा रहे हैं। कई साल से कहा जा रहा, चूंकि वो यहाँ के स्थानीय है तो वो लोगों के सुख दुख में जाते हैं, इसलिए उनके साथ ये लोग खड़े हैं और लगातार जो है गांव गांव गली गली जाके प्रचार कर रहे हैं, अनिल पटेल जी का प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम हो गया भैया? सबसे तो पहले मेरा परिचय लीजिए, मैं शहजाद अली, बक्सा सोनीपटी। तो मुस्लिम यादव तो कहता है कि जो है लालटेन टिपता है आंख दबा के। हाँ ठीक है, आपका का नाम सही है। हाँ। हमको चाहिए विकास, विकास हमारे पास है नहीं। जैसे पहले सवाल करके गए कि बारिश हो जाएगा दो दिन, इतने में इतना पानी लगता है अक्सर में। जी बिल्कुल, हर एक वार्ड का जल जमाव की समस्या है। अभी और भी जो समस्या है, जल जमाव हो गया रेलवे का। मोदी जी बोल रहे कहाँ बेरोजगारी है, युवा को अब रोजगार नहीं मांगना है, देना है, स्टार्टअप कीजिए, मुद्रा लोन है। कहाँ होता है, हम तो किए हैं PMEGP वाला में अप्लाई, कहिए का किए हैं, नहीं मिला पैसा। ना, ना नहीं मिलता है। बोले 13 करोड़ लोग को जो है मिला 10-10 लाख। जो उन लोग कार्यकर्ता है ना, उन्ही लोग को देने का काम करते हैं, बाकी लोगों को बहुत कम, बहुत रेयर केस में मिलता है। बस स्किल इंडिया बताते हैं कि हमने युवाओं को स्किल कर दिया, वो रोजगार देगा। कितने हमारे भी गांव में वो सब करके बैठे हैं लड़के, कितने लोगों स्किल कर लिए हैं। हम नहीं किए हैं, हाँ लड़के लोग कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन हम किए हैं। देखे BSc किए हुए हैं और रेलवे का तैयारी करते हैं, और इस बार देखे कि रेलवे का वैकेंसी भी नहीं आया, तो हम तो खुले एकदम मन से लगे हुए हैं अनिल भैया को जिताने के लिए, बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, क्योंकि ये लड़ने के लिए सक्षम है, ये BJP से लड़ने के लिए सक्षम है, समर्थ है, और हम लोग इस बार निकाले पूरे देश में। हाँ, हाँ एकदम नाराज है, एकदम सही बात है। हाँ खेल खत्म है, युवा के कंधे पे ही आए थे वो, उनके भरोसे है ना। हाँ सही बात, युवा सब हर हर मोदी, घर घर मोदी करता था, अब जो है
छोड़ दिया। देखिए मोदी का शॉर्ट नेम ये मॉडिफाई का शॉर्ट नेम है, मॉडिफाई का मतलब ही होता है कि मतलब बदलाव, झूठों का मतलब दिखावा करना, जो रियलिटी है उस पे काम नहीं करना, बस लोगों को भरमाने का काम करती है। भरमा रहे हैं मोदी जी। हाँ, तब लोगों को बोलते हैं ईश्वर के हम जो है अवतारित भगवान का मंदिर का दिखावा करके कि भाई हम विकास कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग युवाओं को उससे क्या विकास मिला जी? कुछ मिला? नौकरी चाहिए, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, 15 लाख तो दे रहे। 15 लाख मिला हो आपको? 15 लाख नहीं मिला क्या? आपको मिला है? हंस रहे हैं 15 लाख। अरे तो बोले नहीं अभी तक आप लोग। देश का माननीय जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, पूरे देश की जनता की निगाह है। राष्ट्रपति का 2 नंबर पे आएंगे मोदी जी, जिसको जनता चुनता है वो तो सर्वोच्च प्रधानमंत्री है ना, वो तो जिसको चुन के भेजते हैं वो चुनता है, लेकिन जनता के लिए सर्वोच्च प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक ना? और वो व्यक्ति की निगाहें पूरे देश और दुनिया की होती है। वो व्यक्ति जब खुलेआम झूठ बोले, आपने आज झूठ बोल दिया है जो कि आप बोल रहे 15 लाख रुपया मतलब क्या मजाक है? देश के साथ मजाक ही है ना, मजाक हो गया ना, तो क्या है आप 2 करोड़ रोजगार आपको नहीं समझ में आ रहा है? इतना बड़ा पद पे बैठ के जो व्यक्ति और उसके बाद भी दोबारा वोट मांगने का, मोदी जी पे हंसेंगे, दोबारा उसके बावजूद भी वोट मांगने आ रहे हैं, तिबारा आ रहे हैं, शर्म नाम की चीज है। भारत सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, जिसका कितना मतलब की कहानियां है हमारे देश की, वहां का प्राइम मिनिस्टर मतलब इतना खुलेआम झूठ बोल रहा है जनता से, और इसमें अंधा भक्त को ये दिखाई नहीं दे रहा। किसको बोल रहे अंधा भक्त? जो मोदी जो बोल रहे हैं कि एबीवीपी वाले 500 रुपया में जाके आगे मोदी चिल्लाते, ये सब हमको नहीं समझ में आता? आपको नहीं समझ में आता है? अंधभक्त है वो लोग। और जो मीडिया है जो लाखों लाख में बिक जाते हैं, तो मतलब सब क्या है मीडिया? क्या बात भक्त है मीडिया? राहुल गांधी इतना मतलब कि देश में क्या कौन सा यात्रा था अभी? भारत जोड़ो यात्रा कहीं मीडिया में दिखाई दे रहा था? उसका एक सोशल मीडिया के आईडी से लाखों लाख ये कहना चाह रहे हैं आप, भ्रष्ट हो गया, सब बिक गया है, सच्चाई कोई दिखा नहीं रहा है, बस मोदी की अच्छाइयां दिखा रहा है। चलिए, हाँ भैया। देखिए, मेरा एक लास्ट आपसे वाक्य कहना है, जिस तरह से हमारे धान के फसल में जब कीड़ा और लगते हैं, कीट पतंग लगते हैं धान को बर्बाद करने के लिए, तो हथिया एक नक्षत्र आता है जिसके चलते सभी कीड़े दूर हो जाते हैं और फसल हम लोग का लहलहा जाता है। उसी तरह से इस बार बक्सर के लोग तो एकदम पिछड़े, अति पिछड़े और ये अनुसूचित जाति जनजाति सभी लोग एक साथ मिल के इस बार हथिया नक्षत्र को ला के ये सब कीड़े मकोड़ों को भगाने का काम करेंगे। छाप, हाँ, नंबर पे है हाथी छाप, एक नंबर सबसे ऊपर। चलिए, तो हाथी छाप एक नंबर पे है। अनिल पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बक्सर में हम लगातार बने हुए हैं, उनके कार्यकर्ता लोगों से मुलाकात कर रहे थे, किन मसलों को लेकर ये लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, हमने पूरी बातचीत की है। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बक्सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।